Hello, I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences, Munshiganj, Amethi. Today, here I am with my new topic, olfactory nerve. So, what is olfactory nerve? It is your first cranial nerve. Olfactory nerve जो है वो आपकी पहली cranial nerve है. अब हम इसके एनाटमी के बारे में बात करेंगे. तो एनाटमी में हम सबसे पहले देखेंगे इसका ओरिजिन. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो आपकी ऑल्फैक्ट्री नर्व है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम. ये आपकी नोज़ है, इसमें जो अंदर एपिथीलियम प्रेजेंट है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, वहाँ से ये शुरू होती है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रिसेप्टर के बारे में. इसके रिसेप्टर कुछ खास हैं क्योंकि ये बायपोलर न्यूरॉन्स हैं. बायपोलर न्यूरॉन्स का मतलब होता है ऐसा न्यूरॉन जिसके दो पोल्स हों. तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं, दे आर द बायपोलर न्यूरॉन्स. इसमें न्यूरॉन्स ने क्या किया है, अपने एक एंड को मॉडिफाई करके रिसेप्टर बना दिया है. इन न्यूरॉन्स की कुछ खास बातें ये भी हैं कि ये आपकी बॉडी के अकेले ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं. यूजुअली आपके जो बॉडी में सेंसेशंस ले जाने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, नॉकीसेप्टर्स हैं, बट ऑल्फैक्शन के लिए ये जो रिसेप्टर्स हैं ये न्यूरॉन्स के ही पार्ट्स हैं. तो जो इसके रिसेप्टर हैं, दे आर द बायपोलर न्यूरॉन्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके पाथवे के बारे में. जो आपकी ऑल्फैक्ट्री नर्व है, इसका पाथवे क्या है, ये कहाँ से निकलती है, कैसे जाती है, कैसे ब्रेन तक पहुँचती है, कैसे सेंसेशन ऑफ स्मेल को आपके ब्रेन तक लेकर जाती है. तो आप यहाँ पर एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं. तो सबसे ऊपर आपकी होती है नोज़ के अंदर प्रेजेंट होता है आपका ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम, जहाँ से ये ओरिजिनेट करती है. उसके बाद इस ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम के अंदर होते हैं आपके ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स, जो कि बायपोलर न्यूरॉन्स हैं. अब ये जो बायपोलर न्यूरॉन्स हैं, ये कुछ इस तरह के होते हैं और इनका जो एक्सॉन होता है, यही एक्सॉन ऑल्फैक्ट्री नर्व बनाता है. तो ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो कि बायपोलर न्यूरॉन्स हैं, इनके जो एक्सॉन्स हैं ये ऑल्फैक्ट्री नर्व बनाएंगे. ये ऑल्फैक्ट्री नर्व थ्रू क्रिब्री फ्रॉम प्लेट, जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज़ द क्रिब्री फ्रॉम प्लेट. क्या होती है क्रिब्री फ्रॉम प्लेट? आपकी नाक के अंदर जो इथमोइड बोन है उसमें एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिब्री फ्रॉम प्लेट. तो थ्रू क्रिब्री फ्रॉम प्लेट ये पहुँचते हैं ऑल्फैक्ट्री बल्ब तक. ऑल्फैक्ट्री बल्ब क्या होता है? इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन विच रेस्ट ओवर द क्रिब्री फ्रॉम प्लेट. ऑल्फैक्ट्री नर्व निकली, क्रिब्री फॉर्म प्लेट को क्रॉस किया और उसके ऊपर जो ऑल्फैक्ट्री बल्ब बना हुआ है ये वहाँ तक पहुँची. वहाँ पर पहुँचने के बाद इट फॉर्म्ड ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं. ये ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा, साइनैप्स करेगा विद द नेक्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स और साइनैप्स के द्वारा ये जो भी आपकी सेंस ऑफ स्मेल की इंफॉर्मेशन है ये आपके ब्रेन तक पहुँचा दिया जाएगा और ब्रेन में जो आपका ऑल्फैक्ट्री एरिया है आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर परसीव हो जाएगी. तो एक बार शॉर्ट में हम पाथवे देख लेते हैं. नोज के बाद आएगी ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम. इस एपिथीलियम में आपके ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि बायपोलर न्यूरॉन्स हैं. ये न्यूरॉन्स अपने एक्सॉन को ही मिला के ऑल्फैक्ट्री नर्व का फॉर्मेशन करते हैं. ये ऑल्फैक्ट्री नर्व इन बंडल्स रीच ऑल्फैक्ट्री बल्ब टू क्रिब्री फ्रॉम प्लेट. ऑल्फैक्ट्री बल्ब से होते हुए ये ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट बनाती है और आगे जाके साइनैप्स करके इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में. तो जो आपकी ऑल्फैक्ट्री नर्व है, इट इज़ अ प्योर सेंसरी नर्व एंड टेक्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्मेल. नेक्स्ट एग्जामिनेशन. आप कैसे एग्जामिन करेंगे कि किसी भी पर्सन की या कोई पेशेंट अगर आपके पास आया है तो उस पेशेंट की ऑल्फैक्ट्री नर्व ठीक है या नहीं? तो फॉर एग्जामिनेशन जो कॉमन मेथड है वो ये है कि कोई भी कॉमन नॉन इरिटेटिंग स्मेल हम लेंगे, जैसे कि आप वनीला ले सकते हैं, कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल यूज़ कर सकते हैं, एसाफोइटिडा, हींग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ्रेगमेंटेड या फ्रेगरेंस वाला आप टैल्क यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा सोप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी कॉमन नॉन इरिटेटिंग स्मेल को आपको यूज़ करना है, देन
अ पेशेंट जब आपके पास आएगा देन यू विल आस्क हिम टू सिट, क्लोज हिज आईज, क्लोज वन ऑफ हिज नॉस्ट्रिल्स. उसके बाद आप अपनी स्मेल उसके नाक के पास लेकर जाएंगे एंड उससे पूछेंगे इज ही एबल टू परसीव दैट स्मेल और नॉट. अगर वो परसीव कर पा रहा है देन हिज क्रेनियल नर्व इज ओके, अदरवाइज नॉट. इसके दौरान आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है. पहली, जो भी आपका पेशेंट है उसको जुकाम नहीं होना चाहिए. कॉमन कोल्ड, फ्लू, राइनाइटिस ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इन दिक्कतों के दौरान ऑल्फेक्शन का सेंस ऑलरेडी कम रहता है. दूसरा, आपको दोनों नॉस्ट्रल्स के लिए सेपरेटली टेस्ट करना है. पहले आप एक नॉस्ट्रल टेस्ट करेंगे, दोबारा आप दूसरी नॉस्ट्रल टेस्ट करेंगे, बिकॉज आपके दो क्रेनियल नर्व्स हैं. जब आप दोनों को सेपरेटली टेस्ट करेंगे तो आपके दोनों क्रेनियल नर्व्स टेस्ट हो जाएंगी. दूसरा मेथड एक ये भी है कि आप अल्कोहल स्निफ टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं. इसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पैड को यूज़ किया जाता है. तो दीज आर द टू मेथड्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ योर ऑल्फैक्टरी नर्व. अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके डिसऑर्डर्स के बारे में कि ऑल्फैक्टरी नर्व में क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. दीज डिसऑर्डर्स कुड बी बाय टू वेज, आइदर पेरिफेरली और सेंट्रली. पेरिफेरली यानी पेरिफेरल एरिया में अगर आपकी जो ऑल्फैक्टरी नर्व है उसमें डैमेज आए, या सेंट्रली उसके किसी सेंट्रल पार्ट में डैमेज आए. पेरिफेरली अगर किसी को राइनाइटिस है या फेस का ट्रॉमा हुआ है तो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो सकती है. दूसरा, सेंट्रली अगर हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब में या ऑल्फैक्टरी नर्व में या ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आ जाए तो भी डिसऑर्डर हो सकता है. अब इनके डिसऑर्डर्स में हमें क्या क्या मिल सकता है. एक है अनोस्मिया, दूसरा है हाइपोस्मिया, तीसरा है पेरोस्मिया, चौथा है फेंटोस्मिया, और ये दोनों एक अम्ब्रेला टर्म के अंडर में आते हैं जिसको हम बोलते हैं डिसोमिया. एनोस्मिया मीन्स कंप्लीट लैक ऑफ एबिलिटी टू स्मेल. हाइपोस्मिया, जैसा कि वर्ड है हाइपो, मीन्स रिड्यूस्ड एबिलिटी टू स्मेल. पेरोस्मिया मीन्स डिस्टॉर्टेड स्मेल या चेंज्ड स्मेल. नेक्स्ट, फेंटोस्मिया मीन्स ओडर हेलुसिनेशन, मतलब ऐसी स्मेल आना जो प्रेजेंट ही नहीं है. एंड दे बोथ कम अंडर अ अम्ब्रेला टर्म दैट इज डिसोमिया, विच मीन्स डिस्टॉर्टेड स्मेल या डिस्टर्ब स्मेल. तो ये थे हमारे डिसऑर्डर्स. आज हमने ऑल्फैक्टरी नर्व की एनाटमी देखी, फंक्शंस देखे, एग्जामिनेशंस देखे और डिसऑर्डर्स देखे. होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर RGCSK चैनल, RGCSK.edu. थैंक यू.